नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेकर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट का। तो अगर वीडियो को देखने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में एक वीडियो में 3 ट्रिक होने वाली हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप गुणा मात्र 2 सेकंड में उंगलियों पर कर लेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिया गया है कि 98 इंटू करना है आपको 11। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है कि आपको देखना है पहली संख्या क्या है। पहली संख्या है आपकी 8, तो आपको सिंपल तरीके से लिख लेना है 8। अब दूसरी संख्या कितनी है आपकी 9, तो उसको सिंपल तरीके से लिखना है 9। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दोनों संख्या को लिखना है। अब आपको क्या करना है कि जो दोनों संख्या इनको कर देना है अपन में, आप उसमें प्लस। तो जब आप प्लस करेंगे तो 9 और 8 कितना होता है आपका 17। तो 17 के लिखेंगे आप 7। जो आपका 1 आएगा वो 1 आप कर देंगे इसमें प्लस, 9 में कर देंगे प्लस। जब 9 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 78, यानी कि 1078 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए मात्र 1 लाइन में आपका आंसर आ गया है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको वही करना है। अब आपने पहले यानी कि 2 डिजिट का आपने क्वेश्चन देख लिया, अब देखते हैं 3 डिजिट का। इसमें आपको क्या करना है कि आपके सामने संख्या दी गई है कि 975 इंटू 11। इसको आपको क्या करना है कि आपको वही तरीके, पहले लिख लाना है 5, कितना लिखना है 5, फिर आपको लिखना है 9, ये वाली संख्या। अब आपको क्या करना है, पहले तो इन दोनों संख्या को प्लस करना है। तो 7 और 5 कितना होता है 12, तो 12 के लिख लेंगे आप 2, 1 आ जाएगा आपका कैरी। फिर आपको करना है इन दोनों को प्लस, 9 और 7 आपका कितना होता है 9 और 7 आपका कितना होता है 9 और 7 होता है आपका 16, और 1 आ जाएगी आपकी कैरी, तो हो जाएगा कितना 17। एक कैरी फिर बचती है, तो उसको करना है आपको प्लस 9 में, तो इतना कितना आ जाएगा 10725 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए मात्र 1 लाइन में आपका, 1 लाइन में आपका आंसर आ गया है दोनों सवाल का। अब देखते हैं 3 डिजिट का। 3 डिजिट में आपकी कौन कौन सी संख्या है 17 57 57 इंटू 11। इसको आपको वही ट्रिक लगानी जो कि आप इन क्वेश्चन में लगा चुके हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको 7, यहाँ पे लिखना है आपको 1, 5 और 7 को करना है प्लस, 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, तो 12 के लिख देंगे आप प्लस, कैरी आ जाएगी 1। फिर आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो इनको भी आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12, और 1 आ जाएगी कैरी, तो हो जाएगा आपका 13। फिर आपका एक 1 कैरी आ जाएगी। अब आपको करना है 1 7, इसको करना है ऐड, और ऐड करने के बाद एक कैरी आ जाएगी, तो आपका आ जाएगा 9। तो देखिए आपका कितना, ओ 1 था आपका जी यहाँ पे जो अपने लास्ट में लिखा था, तो इसका आंसर आपका आ गया 19327 राइट आंसर आ गया। देखिए अब बचता है आपका 3 डिजिट का, जो कि आपने दूसरे सवाल में सीख लिया है। अगर आपको उसको आता है तो कमेंट में आंसर जरूर बताएं, सिर्फ इसी ट्रिक लगनी है आपको और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना है इसका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो तक, कि आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक जरूर कर दें।